हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फॉर द डायरेक्ट टैक्स लेक्चर। टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंपटीशन ऑफ इनकम व्हेन प्रॉपर्टी इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड एंड नॉट लेट आउट ड्यूरिंग द होल और एनी पार्ट ऑफ द ईयर। सो एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो हमने हेल्ड किया है और स्टॉक इन ट्रेड के तौर पर उसे रखा है और उसे लेट आउट नहीं किया है पूरे साल के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए। अ न्यू सबसेक्शन 5 हैज बीन इंसर्टेड इन सेक्शन 23 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2018 एंड 19 टू प्रोवाइड दैट द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी और पार्ट देयरऑफ व्हिच इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड बाय द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड नॉट लेट आउट ड्यूरिंग द होल और एनी पार्ट ऑफ द ईयर शैल बी टेकन टू बी नील। वॉट दे आर सेइंग इज सेक्शन 23 में एक नया सबसेक्शन ऐड किया है, दैट इज सबसेक्शन 5। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो भी एनुअल वैल्यू है प्रॉपर्टी का या उसका जो पार्ट है जो स्टॉक इन ट्रेड के तौर पे उसको रखा गया है और लेट आउट नहीं किया गया है, सो उसका जो पार्ट ऑफ द ईयर जो है उसका जो भी कॉस्टिंग है वो हम लोग नील कंसिडर करेंगे। सो द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड नॉट लेट आउट ड्यूरिंग द होल और एनी पार्ट ऑफ द ईयर शैल बी टेकन टू बी नील। हावेवर, लेकिन दिस कंसेशन विल बी अवेल्ड ओनली फॉर द पीरियड अप टू 1 ईयर। ये जो नील वाला कंसेशन है, अगर हेल्ड आउट किया है एज स्टॉक इन ट्रेड और लेट आउट नहीं किया है, रेंट पे नहीं दिया है, तो उसका कॉस्टिंग नील हो जाएगा, लेकिन वो कंसेशन सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड है। ठीक है, लेकिन From the end of the financial year in which the certificate of completion of construction of the property is obtained from the competent authority, लेकिन ये 1 साल कौन सा है जब उस प्रॉपर्टी का सर्टिफिकेट मिलेगा कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हुआ है, तभी जाके वो उसी साल में एप्लीकेबल होगा, उसके बाद एप्लीकेबल नहीं होगा। अब फाइनेंस एक्ट 2019 भी कुछ कहता है, वो बोलता है कि फर्दर एक्सटेंडेड द बेनिफिट एंड रेज द लिमिट टू 2 ईयर्स। अब पहले 1 साल था, बट इसका जो टाइम लिमिट है अब 2 साल कर दिया गया है। दस विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021 एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी शैल बी टेकन टू बी नील। सो फ्रॉम द ईयर असेसमेंट ईयर 2021 से लेके उसका जो एनुअल वैल्यू है उस हाउस प्रॉपर्टी का नील होगा। लेकिन इफ इट इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड अप टू 2 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, अगर वो स्टॉक इन ट्रेड के तौर पे उसे रखा जाएगा तो वो 2 साल तक एप्लीकेबल होगा, जहाँ पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट हमें ऑलरेडी मिल चुका है। नेक्स्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट व्हिच इज सब्सिक्वेंटली रियलाइज्ड। सो एक अनरियलाइज्ड प्रॉपर्टी है जो बेसिकली रियलाइज हुआ है, यानी एक ऐसा प्रॉपर्टी या ऐसा टैक्स ट्रीटमेंट जो हमने डिराइव नहीं किया है बट वो डिराइव हो चुका है। सो एनी सब्सिक्वेंटली रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ टैक्स पेयर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द ईयर इन विच सच रेंट इज रियलाइज्ड, वेदर और नॉट द असेसमेंट इज द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी इन दैट ईयर। द अमाउंट रिसीव्ड इज चार्ज टू टैक्स आफ्टर डिडक्टिंग अ सम इक्वल टू 30% ऑफ सच अनरियलाइज्ड रेंट। तो एक ऐसा सब्सिक्वेंटली जो रिकवरी है, कोई भी सब्सिक्वेंट रिकवरी है जो अनरियलाइज्ड रेंट है, लेकिन उसको भी हम लोग इनकम ऑफ टैक्स पेयर ट्रीट करेंगे और उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ट्रीट करेंगे। और उसके बाद जो ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी है उसके ऊपर ये टैक्सेबल होगा, ना कि असेसमेंट के ऊपर। Then, amount received is charged to tax after deducting a sum equal to 30% of such unrealized rent. तो amount received कब होगा? जब उसका जो charges है deduct होगा। कब deduct होगा? Deducting sum equal to 30% of unrealized rent. अगर पूरे साल भर का unrealized rent अगर 1 लाख है तो 30,000 उसमें से deduct किया जाएगा। ठीक है। Then tax treatment of arrears of rent. ऐसा कोई rent जो हम लोग को पिछले कई महीनों से नहीं मिला है, लेकिन कुछ महीनों का रेंट अब एक साथ मिल चुका है, जैसे 8 महीने का रेंट बचा था, किराएदार ने एक ही साथ पे कर दिया,
सो 8 महीने का रेंट एक साथ मिला, दैट इज एरियर्स. सो द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट दैट इज नॉट चार्ज टू टैक्स अर्लियर विल बी चार्ज टू टैक्स आफ्टर डिडक्टिंग सम इक्वल टू 30% ऑफ सच एरियर. इट इज चार्ज टू टैक्स इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड. सच अमाउंट इज चार्ज टू टैक्स वेदर और नॉट द टैक्स पेयर ओन्स द प्रॉपर्टी इन द ईयर ऑफ रिसीव. तो अमाउंट जो रिसीव किया गया है अरियर्स में, जिसको पहले टैक्सीबल नहीं था, अब उसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा और उसका जो सम इक्वल टू 30% है वो हम लोग डिडक्ट करेंगे. अब ये चार्ज होगा उस पर्टिकुलर ईयर में जिस ईयर में वो अमाउंट रिसीव हुआ है. समझो पिछले साल का रेंट इस साल रिसीव हुआ है तो इस साल वो चार्जेबल होगा, ठीक है. लेकिन ऐसा जो चार्जेस है वो भले ही टैक्स पेयर ओन करता हो प्रॉपर्टी या फिर नहीं करता हो, बट स्टिल उनके ऊपर वो चार्जेबल होगा. समझो इस साल मुझे रेंट मिलने वाला था बट नहीं मिला, तो मैंने क्या किया, मेरा घर बेच दिया, किसी और के पास वो घर चला गया पोजेशन. सो चाहे वो ओनर हो या मैं ओनर हूँ, बट पैसा मुझे मिला है, तो आई विल बी दी पर्सन जिसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा. देन डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी. सो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2017-18. सो एज पर सेक्शन 80EE ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, डिडक्शन अप टू ₹50,000 इज अलाउड टू एन इंडिविजुअल टूवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी. हाउएवर द डिडक्शन इज अलाउड सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस. सो एज पर सेक्शन 80EE जो इनकम टैक्स एक्ट है, उनको डिडक्शन ₹50,000 तक अलाउड है, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल्स के लिए. उन्होंने जो लिए लोन लिया है उसके अगेंस्ट में उसको इंटरेस्ट भी लगेगा, ठीक है. अब कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस हम लोग देखते हैं क्या क्या है. द लोन शुड बी सैंक्शंड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द पीरियड बिगिनिंग ऑन 1/4/2016 एंड एंडिंग ऑन 31/3/2017. अब ये कंडीशंस कब पॉसिबल है, जब हमने कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, कौन से पीरियड तक, 2016 से लेकर 2017 का फाइनेंशियल ईयर में. अमाउंट ऑफ लोन शैल नॉट एक्सीड ₹35 लाख. जो भी लोन अमाउंट है वो 35 लाख तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. वैल्यू ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी शुड नॉट एक्सीड 50 लाख. कोई भी रेजिडेंशियल वैल्यू है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, उसका वैल्यू 50 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए. द एसएससी शुड नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन. कोई भी एसएससी है, उसका जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है उसके ऊपर लोन जो है सैंक्शन ऑफ लोन होना चाहिए, ठीक है. और एसएससी उस प्रॉपर्टी को ओन नहीं करना चाहिए. सो द एसएससी शुड नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन. देन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EEA फॉर इंडिविजुअल्स वर नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE के अंडर जो भी डिडक्शन नहीं है, अब उनके लिए नया सेक्शन है, दैट इज 80EEA with an objective to provide an impetus to the house property housing for all initiative of the government and to enable the home buyer to have low cost funds at his disposal. The finance number 2 act 2019 has inserted a new section 80EEA under the income tax act for those individuals who are not eligible to claim deductions under section 80EE. An individual can claim deduction of up to ₹1,50,000 under section 80EEA subject to following conditions. So, ये जो सेक्शन है एक ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करता है जहाँ पे हाउसिंग फॉर ऑल इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, ताकि हर इंसान को घर मिले, लो कॉस्ट फंड्स उनको डिस्पोज हो अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019, जिसमें सेक्शन 80EEA का इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट के अंडर ये सेक्शंस को इंक्लूड किया गया है. अब ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए जो एलिजिबल नहीं है टू क्लेम द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE, सो ऐसे इंडिविजुअल्स को कौन सा डिडक्शन देंगे हम लोग, 1,50,000 का डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 80EE. नाउ उसमें भी कंडीशंस है, चार कंडीशन है. अब ये जो लोन है शुड बी सैंक्शन बाय द फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द पीरियड बिगिनिंग 1/4/2019 एंड एंडिंग ऑन 31/3/2021. सो 2019 से लेकर 2021 तक का लोन सैंक्शन होना चाहिए.
stamp duty value of residential house property should not exceed rupees 40 lakh 45 lakh. Now what is stamp duty? Stamp duty का मतलब है कि जो government के record में उस property का value है वो 45 lakhs exceed नहीं होना चाहिए. Otherwise market value and this government value always differs. Market में एक property का value 60 lakhs है but government के नज़र में उसका value 48 lakh 50 lakh 55 lakhs ऐसा है. An assessee should not own any residential house property on the date of sanction of loan. अगर आपको लोन सैंक्शन हो रहा है तो इसके पहले आपके पास कोई भी रेजिडेंशियल ओनरशिप नहीं होना चाहिए. The assessee should not be eligible to claim deduction under section 80E. So, individual who does not meet the criteria of section 80EE shall be eligible to claim deduction under section 80EEA of up to 1,50,000 and in addition deduction under section 24B. So 24B के अंडर में उनको deduction मिलेगा. So 2021 Finance Act has amended section 80EEA to extend the outer date for sanction of loan. अब यहाँ पे sanction of loan जो दिया गया है उसको extend किया है from 31/3/2021 to 31/3/2022. Thus the deduction shall continue to avail under this provision if the loan is sanctioned on or before 31/3/2021. So 31/3/2021 से पहले अगर लोन sanctioned है तो Finance Act 2021 ने जो amendment किया है उस हिसाब से हम लोग वो applicable कर सकते हैं conditions को. Now there are some MCQs on income from house property. ठीक है, अगले क्लास में हम ये MCQs discuss करेंगे. आज हमने concept पढ़ा, हमने computation of income from house property already पढ़ चुके हैं हम लोग. अगर उससे related कोई revision चाहिए तो आप YouTube में playlist में जाके direct tax के playlist में जाके videos check कर सकते हो. ठीक है, so MCQs कुछ MCQs हैं जिसका explanation भी दिया गया है और कैसे answer करना है MCQs को वो भी हम लोग discuss करेंगे. ठीक है, so till then thank you so much. अगर कोई आपको doubt है तो you can ask or else we will wind up the class.